पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं और सीखते हैं कुछ नई बातें। साथियों, आप लोग जानते हैं कि मानव जीवन पर बहुत सा प्रभाव ऐसा है जो ग्रह के प्रभाव से आदमी पीड़ित रहता है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। आकाश में स्थित अनेकों ज्योति पुंजों के प्रभाव से हर एक प्राणी मात्र के ऊपर पड़ार करता है, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। उदाहरणार्थ के लिए, सूर्य की तेज धूप के कारण शरीर से पसीने निकलने लगते हैं और पसीने की बूंदें टपकने लगती है। यद्यपि हमें यह नहीं बताने की जरूरत है कि किस कारण से पसीने निकलते हैं, लेकिन ये आप ये समझ रहे हैं कि सूर्य के तेज यानी सूर्य एक ग्रह के तेज के कारण, गर्मी के कारण जो है पसीने निकलने लगते हैं और शरीर भींग जाते हैं। अब हम फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि सूर्य की गर्मी इसमें प्रमुख हेतु क्यों है, यानी इसका मतलब हुआ कि हमारे सूर्य का प्रभाव जो है हमारे शरीर पर पड़ता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रहों का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे शरीर पर निश्चित ही, हमारे जीवन में निश्चित ही वो प्रभाव डालते हैं, जिसका अन्वेषण हम या हमारे पूर्वज भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। उसी प्रभाव को जानकर हम सब के विषय में भविष्यवाणी की जाती है। आकाश में अनगिनत ज्योति पुंज हैं, किंतु उनमें से जो विशेष प्रभावी है, जिसका विशेष असर प्राणियों पर होता है, उन्हीं की गणना करके शुभ अशुभ फल जो है बताया जाता है कि मानव के जीवन पर शुभ अशुभ फल क्या पड़ेगा, और वही ग्रह राशि नक्षत्र आदि के नाम से भी पुकारे जाते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में समझें कि इसी तरह कोई भी ग्रह हमारे जीवन पर जो प्रभाव डालते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, आज के विषय में हम लोग समझेंगे। आज का विषय जो है वह आप देख रहे हैं, प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली पूछने वाले के मन में क्या प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। इन सभी बातों की भविष्यवाणी हम लोग ग्रह के माध्यम से ही करते हैं। जैसे हम लोग पहले ही समझे कि ग्रह का प्रभाव मानव पर कैसे पड़ता है, ग्रह से हम लोग भविष्यवाणी भी करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि पूछने वाला कोई व्यक्ति जातक मेरे पास आ गया है और वह प्रश्न करता है कि हमारे मन में क्या है, आप अपने से बताएं। उसके लिए हम लोगों को उसी समय का लग्न कुंडली एक बना लेना चाहिए जिस समय जातक मेरे पास आया है। तो उस जातक के मन के बात को जानने के लिए हमें आवश्यक है कुछ बातें। यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो उस समय का प्रश्न कुंडली जब बना लेते हैं तो प्रेषक का विचार को देखें, उसके तरफ देखें और देख करके उसके मन की बात जानने की कोशिश करें। मन, आत्मा, शरीर उस व्यक्ति का कहाँ भटक रहा है? चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है और लग्नेश शरीर होता है। अतः यह देखें, यानी सूर्य जहाँ पर हो, चंद्रमा जहाँ पर हो वो मन है, सूर्य जो है आत्मा है, और ये लग्न भाव कहलाता है, ये जातक के शरीर का देखा जाता है, वह कैसा रहेगा, वह स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ से लग्न से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब इन भावों में जो है उन्हीं के ऊपर हम लोग विचार करते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी ने आकर प्रश्न किया, उस समय लग्न चार्ट जो बनाया गया उस समय वृष लग्न की कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली जो है वृष लग्न की बनती है। अब ध्यान देने जो बात है कि वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, सूर्य कहाँ बैठे हैं और शुक्र कहाँ बैठे हैं। हमें इन ग्रह के, तीनों ग्रह के बारे में पहले विचार कर लेना है। इन्हीं ग्रहों के माध्यम से हम लोग बताएंगे और बताया जाता है। तो चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य जो हैं यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे हैं जो मीन राशि के होकर बैठे हुए हैं, और शुक्र जो हैं दसवें भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीनों भावों का भिन्न भिन्न रूप है, किंतु लग्नेश शुक्र जो है दसवें भाव में आके बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो इन सब बातों को हम लोग विचार जब करते हैं तो यह निकलता है, चतुर्थ भाव से हम लोग सुख देखते हैं, दसवें भाव से कर्म देखते हैं, एकादश भाव से आय देखते हैं। तो ये निश्चित ही वह गृह भूमि इत्यादि वाहन व माता का भी स्थान ऐसे देखते हैं, माता मित्र राजा यानी राज्य के जो मालिक हैं का तथा व्यवसाय के बारे में वो प्रश्न करने आया है, वह सुख संपत्ति और अपने रोजगार को लेकर के, अपने आय व्यय को लेकर के वह आपके पास प्रश्न लगाना चाहता है, जो उसी से वो पीड़ित है वह यही प्रश्न पूछना चाहता है। इस प्रकार हम लोग समझ करके और जातक को बताना चाहिए। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।